है बेटा, तो सैटेलाइट डीएनए होता है रेपिटेटिव डीएनए। अब और ये सैटेलाइट डीएनए कैसा है? नॉन फंक्शनल डीएनए। अब हमने किसी के डीएनए देखना है उसको, मतलब डीएनए किसी ऑर्गेनिज्म का पूरा नहीं, दो लोगों का डीएनए हमने मैच करना है। अब अगर हम पूरे का पूरा डीएनए मैच करेंगे तो इट इज ए वेरी टीडियस प्रोसेस, इट इज ए वेरी कॉस्टली प्रोसेस ऑल्सो, वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस ऑल्सो। तो हम मैक्सिमम क्या मैच करते हैं कि हम जो है उनके मिनी सैटेलाइट्स, रेपिटेटिव सीक्वेंसेस वो मैच करते हैं कि कितने मैचेस, राइट? रेपिटेटिव सीक्वेंसेस जो है दे शो पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मींस दे आर मींस इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स द रेपिटेटिव सीक्वेंसेस की जो लेंथ है, पोजीशंस है, नंबर है, दे आर डिफरेंट। नो टू इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर मिनी सैटेलाइट्स, ठीक है? इनको हम और क्या बोल देते हैं, RFLP, रिपीटेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है जी? सो दिस इज कॉल्ड एज, जो हम ये इन RFLPs को हम मैच करते हैं दो ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को लेके, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। नो टू इंडिविजुअल्स हैव सिमिलर टाइप ऑफ RFLPs, डीएनए फिंगरप्रिंट्स। क्या सिमिलर नहीं है? सीक्वेंस सेम होगा, ये हमें पता है कि सीक्वेंस क्या है, बट उस सीक्वेंस की जो लेंथ है डिफरेंट। लेट अस से एक ऑर्गेनिज्म में 50 सीक्वेंसेस है, दूसरे में हो सकता है 45 सीक्वेंसेस हो गए, ठीक है? दो में लेट अस से 50 है, तो डिफरेंट सीक्वेंसेस की लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, राइट? सो नो टू इंडिविजुअल्स हैव सेम मिनी सैटेलाइट्स एक्सेप्ट क्लोन्स और आइडेंटिकल ट्वेंस। मैं आपको जो एनसीईआरटी में पिक्चर दी हुई है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। Can you see this? ये जो है, this is, you know, DNA, ये जो है, this is paternal, ये individual A है, ये आपको कर्सर दिख रहा है, ये individual B है, इनमें repetitive sequences है, ये जो dark color dark wave है, ये repetitive sequences है। आप देखो same individual में भी, क्योंकि एक पैटर्नल क्रोमोसोम है, एक मैटर्नल क्रोमोसोम है, दो डिफरेंट इंडिविजुअल से आया है, एक फादर से आया है, एक मदर से आया है। क्रोमोसोम नंबर 7 पे बेटा रिपीटेड सीक्वेंस है, लेट अस से मिनी सैटेलाइट है। बट आप ये देखो एक इंडिविजुअल में भी जो फादर से क्रोमोसोम आया है उसकी लेंथ और जो मदर से आया है उसकी लेंथ डिफर करती है। ये इंडिविजुअल बी है, आप ये देख सकते हो। इसी तरह क्रोमोसोम नंबर 2 पे ये येलो वाले सीक्वेंसेस है, ठीक है? और क्रोमोसोम 16 पे दीज ब्लू सीक्वेंसेस आ रहे हैं, राइट? तो अब हमने क्या किया है, अब दिस इज डीएनए, ये हमें क्राइम सीन पर हमें ये सी मिला है, किसी का ब्लड स्पॉट मिल गया या हेयर फॉलिकल मिल गया या स्किन के कुछ शेडिंग्स मिल गए इस तरह से, या स्पर्म्स मिल गए, ठीक है? तो इस तरह से हमें ये उसमें से, हमने उन सेल्स में से जो डीएनए निकाला, सी का अननोन है, सी हमें नहीं पता ये सी कौन है, उसके जब हमने डीएनए फिंगरप्रिंट्स देखे तो ये डीएनए फिंगरप्रिंट्स, राइट? तो आप ये देख रहे हो कि ये हमने सदरन ब्लॉटिंग से वो सेपरेट की, ठीक है? सदरन ब्लॉटिंग से जो है हम देख रहे हैं, ये देखिए ये फिंगरप्रिंट्स नजर आ रहे हैं, डू यू गेट मी? और ये ब्लू वाले लाइट है, बट ये अकॉर्डिंग टू यू नो साइज दे गेट सेपरेट। उसके बाद हमें शक क्या है, हमें लगता है या तो ये सी जो है, सी डीएनए जो है ये या तो इंडिविजुअल ए का है या इंडिविजुअल बी का है। हमने दोनों के ब्लड सैंपल्स लिए, ए का भी लिया और बी का भी लिया। हम क्या देख रहे हैं, ए का ब्लड सैंपल में जो डीएनए मिला है उसके फिंगरप्रिंट्स ऐसे है और बी के जो है वो ऐसे है। नाउ यू कैन सी दैट द फिंगरप्रिंट्स ऑफ सी, बताइए बेटा किसके
किससे मैच कर रहा है, ए से कर रहा है कि बी से कर रहा है? बी से कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जो हमें ये ब्लड मिला है क्राइम सीन से वो किसका ब्लड है? दैट इज बी का ब्लड, राइट? सो बी इज द कल्प्रिट है, या समहाउ जो भी हम कहते हैं वो, इज दैट राइट? तो अब आपको क्या पता चल रहा है यहां से, आपको क्या इस इधर से आपको पता चल रहा है कि हाउ मिनी सैटेलाइट्स दे वेरी, मिनी सैटेलाइट्स वेरी इन द लेंथ ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंसेस, लेंथ ऑफ द रेपिटेटिव डीएनए। आप देख रहे हैं रेपिटेटिव डीएनए, उसके बाद यहाँ पे तो चलो तीन ही क्रोमोसोम्स दिखाए हैं, और भी होते हैं बहुत। दूसरा है नंबर ऑफ रिपीटेड सीक्वेंसेस, मतलब नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट्स आप कह सकते हो। हो सकता है कि यहाँ पे जो ए था, यहाँ पे उसके आपने इधर सीक्वेंस देखा रिपीटेड, एक इधर सीक्वेंस भी था और इधर ना हो, राइट? तो दिस इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? तो नेक्स्ट आ जाइए, पहले टॉपिक लिख लीजिए डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? ये सारी प्रोसेस तो मैंने आपको करवा दी, अब हमने क्या करना है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में वो हम बताते हैं। सो राइट डाउन डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, यहां पे लिखिए इफ मोर देन वन एलील, if more than one allele at a locus, occurs in human population with a frequency greater than 0.01, with a frequency greater than 0.01, it is referred to as DNA polymorphism. अगर किसी एलील की variations अगर हम कहें, जो variation की आपको पता है जैसे multiple alleles होती है, ठीक है, ब्लड ग्रुप्स की 3 एलील्स है, बट एक कोई एक एलील है जिसकी बहुत ज्यादा वेरिएशंस है पॉपुलेशन में, उसकी वेरिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है ग्रेटर देन 0.01 है, तो हम उसको कह देते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, राइट? सेकंड पॉइंट करिए द प्रोबेबिलिटी, और ये वेरिएशन हम कहेंगे इतनी वेरिएशन पॉपुलेशन में ये कैसे आई है, ये म्यूटेशन से आई है, ठीक है? तो लिखिए दीज वेरिएशंस इन द एलील इन ए पॉपुलेशन अकर्स ड्यू टू aggregate accumulation of mutations from generation after generation. फुल स्टॉप करके दीज म्यूटेशंस रेंज फ्रॉम चेंजेस इन दीज म्यूटेशंस चेंज फ्रॉम दीज म्यूटेशंस मे रेंज फ्रॉम चेंजेस इन सिंगल न्यूक्लियोटाइड
सिंगल न्यूक्लियोटाइड टू ए वेरी लार्ज स्केल चेंजेस, टू ए वेरी लार्ज स्केल चेंजेस. नेक्स्ट आ जाइए. लार्ज स्केल चेंजेस, लार्ज स्केल चेंजेस. नेक्स्ट पॉइंट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशंस टू बी ऑब्जर्व in non-coding DNA sequence, in non-coding DNA sequence, bracket में कीजिए mini satellites, would be higher. In mini satellites में इन variations के chances और ज्यादा है. क्यों? Because mutations in these sequences may not have immediate impact, may not have immediate effect, keh sakte ho aap, effect on the individual. May not have immediate effect on the individual and its reproductive ability. Next point aa jaiye. This DNA polymorphism. This DNA polymorphism plays very important role in evolution and speciation. But speciation kya hota hai? Bracket mein likh lo. Speciation means, हाँ जी आप बताओ, हरगुन आप बताओ, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा. हम कोई ऑर्गन किसी काम को करने के लिए स्पेसिफाइड. क्या क्या दोबारा से मैम? हम कोई ऑर्गन किसी काम को करने के लिए स्पेसिफाइड होता रहता है. नहीं नहीं बेटा, स्पेसिएशन का मतलब होता है, ब्रैकेट में लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज from already existing species. जो पहले से present है उनमें बहुत ज्यादा variations आ जाएंगी, तो किसी time बाद, कई generations बाद, वो species एक नई species में change हो सकती है. ठीक है जी. तो अब आ जाइए, next आ जाइए, DNA fingerprint. अब process actual है DNA fingerprint. ये हमने सारा कर लिया, बस अब हमने उसको एक DNA fingerprinting में step wise बताना है, otherwise we have described every process. DNA fingerprinting, bracket में कर लीजिए DNA profiling. दूसरा नाम है DNA profiling. एक ही बात है. Based on, मतलब इसको ये टॉपिक का नाम है. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज बेस्ड ऑन DNA polymorphism और RFLP, उसके नीचे लिखना है S, RFLP, ब्रैकेट में लिख लो.
रिपीटेड फ्रेगमेंट, रिपीटेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रिपीटेड फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और VNTR और VNTR, VNTR की फॉर्म क्या होती है? दैट इज वेरिएबल नंबर, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स, TANDEM, टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब मैंने बताया था, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। जैसे हम क्या देते हैं, जैसे हम आर्मी के रोज जाते हैं, उनको हम क्या देते हैं, टेंडम रिपीट्स, एक के पीछे दूसरी टुकड़ी, दूसरी के पीछे तीसरी टुकड़ी जा रही है, दैट इज कॉल्ड एज टेंडम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। द प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय एलेक जेफरी, ALEC। द प्रोसेस वॉज डेवलप्ड बाय एलेक, ALEC, एलेक जेफरी, JEFFREY। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। VNTR belongs to a class of, मतलब वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स क्या है, जो वो रेपिटेटिव सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस है वो एक के बाद दूसरा, फिर दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह रिपीट्स हो रहे हैं। VNTR belongs to a class of satellite DNA. Also called as mini satellite. Mini satellite in which a small DNA sequence, in which a small DNA sequence is repeated many times, is repeated many times tandemly. Is repeated many times tandemly, TANDEMLY. Next point आ रही है, the copy number. Copy number means कितनी बार repeat हुआ है, the copy number, bracket में कित कर लीजिए, the number of times, the number of times a sequence is repeated, a sequence is repeated in a DNA fragment. Ek mini satellite mein kitni baar repetition. Bracket close. Main bata rahi thi, the copy number varies from chromosome to chromosome. Varies from chromosome to chromosome in an individual. एक individual में भी, मैंने जैसे दिखाया था कि किसी क्रोमोसोम पे वो जो मिनी सैटेलाइट है वो इतना है, किसी पे इतना है, किसी पे इतना बड़ा है। फुल स्टॉप करके, the number of repeat show, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये देखिए, the number of repeats show very high degree of polymorphism, very high degree of polymorphism. Its size ranges from, VNTR ka size ranges from, ye pata nahi aapko dikh raha hai ki nahi, 0.1 to 20 kilobase pairs,
0.1 किलो बेस पेयर टू 20 किलो बेस पेयर्स. किलो मतलब 1000. एक ऑर्गेनिज्म में या एक पॉपुलेशन में इतने साइज से लेके इतने साइज तक जो है VNTR की लेंथ हो सकती है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. द नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट्स, द नंबर ऑफ मिनी सैटेलाइट्स एंड द साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट्स एंड द साइज ऑफ मिनी सैटेलाइट्स आर नेवर सेम, आर नेवर सेम इन एनी टू इंडिविजुअल्स, इन एनी टू इंडिविजुअल्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ, एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन्स. मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल ट्विन्स, दैट इज व्हाई We can do DNA fingerprinting of several DNAs to know whether these DNA molecules belong to the same individual or different individuals. Next point है, in any offspring, comma, 50% of the VNTR, 50% of the VNTR matches with the mother. And 50% matches with the father. Therefore, this process is helpful. Helpful to know paternity issues. है ना, paternity issues हम इसलिए क्या देते हैं कि मदर का तो पता है इसने बर्थ दिया, फादर ये है कि नहीं है, इस तरह से टू सॉल्व पेटर्निटी इश्यूज. नेक्स्ट पॉइंट है, It is also used in forensic sciences. Forensic means जो criminals को देखने के लिए, forensic sciences. As well as determining population and genetic diversities. As well as to determine population and genetic diversities.
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोसेसर, प्रोसेस ऑफ सिब्लिंग्स का तो सेम ही होगा बेटे, दो सिब्लिंग्स का सेम नहीं इसलिए नहीं होगा। देखो अब देखो 50% ठीक है मदर से और फादर से आया, बट मदर में भी तो 50% जो था अपने मदर और फादर से आए थे, फिर क्रॉसिंग ओवर भी होती है। तो एक सिब्लिंग में कौन से क्रोमोसोम्स मदर से आए हमें ये नहीं पता, कौन से फादर से आए हमें ये नहीं पता। यस और नो? यस मैम, ट्विंस, ट्विंस में आइडेंटिकल ट्विंस में, नॉन डायज़ाइगोटिक ट्विंस में नहीं, सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस में सेम जो एक ही जाइगोट के डिवीजन से बने। ओके यस मैम, ठीक है जी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ, तो मैम सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस ही है ना? सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस है, या हम क्लोन्स कह देते हैं। क्लोन्स होता है कि लेटर से हमने कह दिया, थ्योरेटिकल टर्म है कि हमारे स्किन से सेल्स निकाले और उससे ऑर्गेनिज्म बन जाए, दैट इज क्लोन, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोसेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट, इट इन्वॉल्व्स, इसमें आ जाइए, इट इन्वॉल्व्स सदरन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन, सदरन ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग यूजिंग रेडियो लेबल्ड, यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTRs, VNTRs मैं दोबारा बता रही हूँ, वेरिएबल नंबर टेंडन रिपीट्स एज ए प्रूफ। यूजिंग रेडियो लेबल मतलब जिसके साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट जुड़ा हो, VNTR एज प्रूफ। प्रूफ आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए जो आगे चल के स्पेसिफिक डीएनए से बाइंड है। सेकेंड है प्रोसेस क्या है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो हमने डीएनए को आइसोलेट करना है फ्रॉम ए सेल, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सेकेंड है एम्प्लीफिकेशन ऑफ द डीएनए बाय पीसीआर, उसकी बहुत सारी कॉपीज बनानी है। एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए बाय PCR. अब हर डीएनए मॉलिक्यूल को लेना है अलग अलग से। नेक्स्ट आ जाता है डाइजेशन ऑफ ईच डीएनए मॉलिक्यूल, डाइजेशन ऑफ ईच डीएनए मॉलिक्यूल सेपरेटली, बाय रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, by restriction endonuclease, सारी southern blotting वाली technique है। next है उन segments को अलग करना by gel electrophoresis। next आ जाइए separation of DNA fragments, separation of DNA fragments by gel electrophoresis, by gel electrophoresis। next आ जाते हैं transferring, transferring और blotting। मैंने बताया था जेल प्लेट से किसमें रख देते हैं, नाइट्रोसेलुलो शीट पे, उस पर जेल प्लेट रख के उसके ऊपर वेट्स डालते हैं। transferring और blotting ऑफ separated DNA fragments to synthetic membranes such as nitrocellulose or nylon।
नेक्स्ट पॉइंट है लोडिंग ऑफ लेबल्ड, लोडिंग ऑफ लेबल्ड VNTR probes, loading of labeled VNTR probes. है ना VNTRs probes bracket में लिख लो क्या है ये VNTR probes single stranded radio labeled DNA fragments of different sizes having repetitive DNA. ठीक है जी नेक्स्ट पॉइंट है वॉशिंग ऑफ द शीट विद बफर सो एज टू सेपरेट द unhybridized probes. देखिए यहां पे एक पॉइंट और जहां पे आपने सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस लिखा है साथ ही लिख लेना फोर्थ पॉइंट लिखा होगा फोर्थ या फिफ्थ साथ ही लिख लेना फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एल्कली which causes denaturation of DNA fragments. तभी तो उसके साथ जाके आज मेरे पास मार्कर थोड़ा सा लाइट कलर का है अगर ये डीएनए फ्रेगमेंट था इसको एल्कली से ट्रीट किया ये अलग अलग हो गया उसके बाद जो रेडियो एक्टिव प्रोब्स जाने वो आके यहां से इधर ही तो बाइंड करेंगे सिर्फ रिपीटेड सीक्वेंस हो सकता है यहां पर भी तो सेम ही होगा क्योंकि दो डीएनए स्ट्रैंड्स तो सेम है ठीक है इस तरह से कोई और वहां पे लेटर्स थे ये रेडियो एक्टिव प्रोब है इसके साथ ये बंद इस तरह से ये हाइब्रिडाइज्ड डीएनए राइट ये पेरेंट डीएनए है और ये डीएनए प्रोब है जो रेडियो एक्टिव हमने जाना ठीक है नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए द शीट इज देन ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी रेस एंड वी कैन डिटेक्ट हाइब्रिडाइज्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स वी कैन डिटेक्ट हाइब्रिडाइज्ड DNA, not UV rays, यहां पे लिखो X rays, I'm sorry. These are
observed under X-rays, by which we can detect hybridized DNA fragments. The process is called as autoradiography. The process is called as autoradiography. Is it okay? Autoradiography, G-R-A-P-H-Y. Okay, so this is all about your DNA fingerprint.